10 मिनट में 50 खबरें। दादरी के बिसेड़ा गांव में महिलाओं ने संभाला मोर्चा, गांव से बाहर निकल कर किया प्रदर्शन। पुलिस पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, कहा बेगुनाह युवकों की भी हो रही है धरपकड़। दादरी कांड पर सियासत जारी, बिसेड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम, बिसेड़ा में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। दादरी में हुई मौत पर सियासत का नया पड़ाव बना लखनऊ, मृतक अखलाक के परिवार से मिल रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। अखलाक की मां ने कहा, यहां क्यों लग गया है, लाया गया है पता नहीं। एमएलसी अपने साथ बीती रात परिवार को लेकर पहुंचे थे लखनऊ। दादरी हत्या मामले में मुख्य आरोपी विशाल और शिवम समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी, 2 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का विवादित बयान, नौजवानों को कहा खुदकुशी से बचे, नौजवान करना ही है तो पुलिस वालों का करें खत्म। सूरत में हार्दिक पटेल पर नोटों की बरसात, आरक्षण आंदोलन के समर्थन में था कार्यक्रम, हार्दिक सूरत में लोगों के घर जाकर भी कर रहे हैं मुलाकात। हार्दिक पटेल का ऐलान, राजकोट में वनडे मैच के दौरान स्टेडियम में आरक्षण का पाटीदार समाज, 18 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच में के खरीदे जाएंगे सभी टिकट। लालू यादव ने कालाधन मुद्दे पर पीएम मोदी पर किया सीधा वार, ट्वीट में लिखा विदेशों में जमा कालाधन पीएम मोदी के उद्योगपति मित्रों और बीजेपी नेताओं का, इसीलिए सरकार नहीं ला रही वापस। जेडीयू में बिहार में चुनावी रैलियों की रौनक आज भी बरकरार, समस्तीपुर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। बिहार में चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही है, एमआईएम का प्रचार भी जारी, किशनगंज में ओवैसी की जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लगातार चुनाव के कामों में सक्रिय, कटिहार मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी रैली, सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम के शासन में उद्योगपतियों को छोड़ परेशान है सभी। गया में प्रशासन की तरफ से निकाली गई रैली, मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश। सीबीआई कोर्ट ने एसपी प्रतापगढ़ को राजा भैया अक्षय प्रताप और मुन्ना के खिलाफ समन तामील करने का दिया आदेश, कुंडा में हुए सर्वेश यादव हत्याकांड का मामला। यूपी के पंचायत चुनाव में माफियाओं की एंट्री से बड़ा तनाव, बहराइच में उम्मीदवार को मैदान से हटाने के लिए हत्या कराने का आरोप। हाथरस के बीजेपी सांसद राजेश दिवाकर पर एक महिला ने अपनी फॉर्च्यूनर कार हड़पने का लगाया आरोप, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और जिले के एसपी से की शिकायत। यूपी के चंदौली में एक टीवी चैनल पत्रकार की हत्या, बाइक से गांव जा रहे थे हेमंत यादव। मुरादाबाद में एसपी नेता की दबंग गई, कार पार्किंग के लिए मना करने पर कांस्टेबल की पिटाई, सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज। आप विधायक सोमनाथ भारती की पुलिस रिमांड का आज आखिरी दिन, घरेलू हिंसा मामले में आरोपी। खिड़की एक्सटेंशन मामले पर भी बड़ा सोमनाथ भारती का टेंशन, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तैयारी में पुलिस हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने सीआईएसएफ और मेट्रो को दिया नोटिस, राजीव चौक स्टेशन पर हुई फायरिंग पर सवाल, उन दिन तैनात जवानों की मांगी लिस्ट। इंद्राणी के खून में दवा के अंश पर मामला उलझा, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन हिंदुजा हॉस्पिटल की रिपोर्ट में कहा गया यूरिन में पाए गए दवा के अंश। इंद्राणी की हालत नाजुक, जिले अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक अगले 48 घंटे इंद्राणी के लिए बेहद अहम। कर्नाटक के यडगीर में योगेंद्र यादव की संवाद यात्रा, सूखा प्रभावित किसानों से बातचीत। दिल्ली में बिजली कीमत नहीं बढ़ने के बावजूद 100 से 500 रुपए बढ़ जाएंगे बिजली बिल, पर्यावरण शुल्क लागू, सीवर लाइन बिछाने के लिए टैक्स। पूर्वी दिल्ली में बढ़ सकती है कॉल ड्रॉप की समस्या, अवैध टावरों को किया जा रहा है सील, एमसीडी ने कंपनियों से वन टाइम चार्ज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। दिल्ली में उड़ीसा के सांसद अमरचंद सेठी के घर के आहते से चोरी, 2 पपीते लेकर भाग रहा था चोर। गुड़गांव में फर्नीचर बाजार में आग, 50 दुकानें खाक। गाजियाबाद से लापता हुई नाबालिग लड़की, लड़के का केस उलझा। आगरा में तैनात दरोगा के घर मिली कार, पिता की कार में घर से भागे थे बच्चे, दरोगा की दलील
ढाबे में 25,000 रुपए में खरीदी थी कार। बरेली में 4 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। सिर से पर्दा हटने पर था गुस्सा। जफर के घर में 5 दिन से भूखे थे बच्चे। कानपुर में नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी में बम की अफवाह। बम स्क्वाड ने किया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एसएचओ की पिटाई। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल समेत 3 लोग आरोपी। दिल्ली के सीलमपुर में चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। एलईडी ले जाते हुए दिखे 2 चोर। हैदराबाद में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हत्या की वारदात। 2 लोगों ने की 1 शख्स की हत्या। इंदौर में 15 साल बाद बच्ची को मिला पिता का नाम। कोर्ट के आदेश पर कराया गया था डीएनए टेस्ट। लिव इन रिलेशन के दौरान पैदा हुई बच्ची को अपनी संतान मानने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल भाई ने अस्पताल में तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंदिर जाने पर एक दलित व्यक्ति की हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालंधर में हंसराज हंस के गनमैन की मौत। खुद की AK-47 चलने से हुई मौत। नाइट ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा। गलती से दब गया था ट्रिगर। राजस्थान के बाड़मेर में कुत्तों का नोचा हुआ मिला बच्ची का भ्रूण। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के बैतूल में बहू ने छोड़ी ससुराल। टॉयलेट बनाने की रखी शर्त। जिला प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। दिल्ली में बदलते मौसम ने दिया डेंगू के कहर से राहत। घट रही है मरीजों की संख्या। डे सफाईगिरी की मुहिम में डेटॉल भी शामिल। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए पहले हाइजीन किट पीएम को भेज। कंपनी जो है आरबीएस का जो पर्पस है वो है कि लोगों को स्वच्छता के बारे में हम बताएं और उनको स्वच्छ आदतें सिखाएं ताकि उनकी सेहत हमेशा ठीक रहे। तो ये हमारी कंपनी का भी उद्देश्य है, डेटॉल का भी उद्देश्य है, सिर्फ अभी नहीं बहुत सालों से। गुजरात के राजकोट में खादी भवन ने बनाया बिक्री का रिकॉर्ड। गांधी जयंती के दिन 10 लाख की सेल। अमृतसर में 10,000 बच्चों ने ड्रग्स नहीं लेने का लिया संकल्प। स्वयंसेवी संस्था का आयोजन। कानपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए खासी तैयारी। सबकी पसंद के मुताबिक खाना। T20 के पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कटक पहुंची। 5 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला। आज शशांक मनोहर की BCCI के अध्यक्ष के रूप में फिर ताजपोशी। चुना जाएगा नया अध्यक्ष। मुंबई में आज BCCI की विशेष आम बैठक। डालमिया के निधन के बाद खाली हो गया था पद।